नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार मैं फिर से आप सभी व्यूअर्स को मैं वार्म वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रिकेवाईसी फॉर्म को हम लोग कैसे सही सही भर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आगे हम लोग फॉर्म की ओर और उसको देखते हैं हम लोग इसे कैसे सही सही भर पाएंगे। तो दोस्तों, यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रिकेवाईसी का फॉर्म, NX3 के नाम से जाना जाता है। और यह फॉर्म आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे डाउनलोड करके आप इसे भर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो क्या कहा जाता है, आपको अपना नेम दे देना है, जो अकाउंट में जो आपका नाम है उसी को भरना है और उसको कैपिटल लेटर में भरेंगे, ठीक है। एड्रेस आपका जो भी हो उसे भर दीजिए, एड्रेस मतलब बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी एड्रेस है वो उसे आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जैसा भी हो आप उसे ज़रूर भरें, ठीक है इसे। और उसके बाद चलिए सबसे पहले एड्रेस भर लेते हैं। तो यह देखिए, इसे मैंने जो मेरे बैंक के रिकॉर्ड से हमारा जो एड्रेस था उसे मैंने इसे भर लिया। कस्टमर आईडी अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, नहीं पता है तो आप ना लिखें। हाँ, अकाउंट नंबर आपको लिखना मैंडेटरी है, तो चलिए अकाउंट नंबर भर लेते हैं। एंड आगे का डिजिट जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसे सही सही भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, दो ऑप्शन दे रहा है आपको, देर इज़ नो चेंज इन माई करंट एड्रेस एंड माई मेलिंग एड्रेस इज टू बी चेंज। अगर आपको एड्रेस चेंज करना होगा तो आपको यूनियन बैंक के ब्रांच में विजिट करना होगा इस KYC फॉर्म के साथ में, और अगर आपको चेंज नहीं करना होगा तो आप इसे भर करके अपने किसी मित्र या अपने किसी घर वाले के द्वारा भी उस संबंधित ब्रांच में भेज सकते हैं। लेकिन अगर एड्रेस चेंज होगा तो आपको खुद से ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। इसलिए जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आप उसी पर टिक करें। मेरे केस में मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है इसलिए मैंने इसे इस तरह से रखा। चलिए अब जो है इसे फिर से देखिए एड्रेस के लिए, यहाँ पे इन्होंने दो जगह एड्रेस दिया है, चलिए कोई नहीं, इसको हम लोग भर लेते हैं एड्रेस, ठीक है। अभी भी एड्रेस भर रहे हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, लैंडमार्क दे देते हैं, अगर लैंडमार्क है तो लैंडमार्क दीजिए, नहीं तो कोई नहीं। और हाँ, एक बात आप मेक श्योर करिएगा, जो आपके KYC पे मेंशन जो एड्रेस है आप उसी को लिखें, अपने तरफ से एक्स्ट्रा कोई भी लाइन मत ऐड करें, ठीक है, नहीं तो आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। चलिए सिटी भर देते हैं, स्टेट भर देते हैं दोस्तों। एंड अपना पिन कोड एरिया ज़रूर सही सही भरें, जो भी पिन कोड है इसी से आपको बैंक के तरफ से पत्राचार जो आपको मिलते हैं प्रॉपर वे में, इसलिए इसे आप सही सही भरें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे सही से नहीं भरेंगे और किसी कारण से बैंक के द्वारा भेजा गया कोई भी लेटर अगर वापस हो जाता है बैंक में तो फिर उसके बाद आप लफड़े में फंस सकते हैं। इसलिए मेक श्योर कि एड्रेस आपका प्रॉपर हो, अप टू डेटेड हो और सब कुछ आप करेक्ट फिल किए हैं। अब यहाँ से हम लोग अपना मोबाइल नंबर भर देते हैं, जो भी आपका वर्किंग मोबाइल नंबर है और ब्रांच के साथ जो अटैच्ड है उसी नंबर को भरें, ठीक है। इसलिए मेक श्योर कि यह आपका वर्किंग होना चाहिए और बैंक के साथ अटैच्ड हो। अगर किसी कारण से बैंक में आपने पहले से कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया है तो आप यह मत समझिएगा कि मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया है तो इसलिए मेरा मोबाइल नंबर सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। मोबाइल नंबर के लिए बैंक में अलग फॉर्म होता है, उसको आपको अलग से सेपरेट भरना पड़ता है, तभी जाकर के मोबाइल नंबर चेंज होता है। चलिए इसे आपको भरने की ज़रूरत है नहीं, टेलीफोन और रेसिडेंस। अगर आप ईमेल आईडी अगर आपके पहले से उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पर डालेंगे तो ईमेल आईडी बैंक ऑफिशियल के द्वारा फिल कर दिया जाएगा, मतलब अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन मोबाइल नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा में तो मोबाइल नंबर सिर्फ KYC फॉर्म के साथ भरने से नहीं अपडेट होता है, मैं उसके लिए श्योर हूँ। यूनियन बैंक में भी मेरी दोस्त से बात हुई है, वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेक श्योर कि अगर आपको अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करना है तो आप पर्सनली ब्रांच विजिट करके वहाँ पे सेपरेट मोबाइल नंबर का फॉर्म होता है उसे भर देंगे।
अब यहाँ पे फादर नेम आपका, आपके पिताजी का नाम यहाँ पे भर दें, ठीक है। चलिए तो इसको भी भर लिए हैं दोस्तों। आपकी माता जी का नाम, अब ये तो अब मैंने अपने पहले के भी वीडियो में मैंने कई बार बताया है कि अब आपके मदर का नाम मैंडेटरी हो गया, उसे डालना ही डालना होता है, ठीक है। तो माता जी का नाम आप अपना ज़रूर डालें, और ये आपको सी के वाई सी में बहुत मैंडेटरी हो जाता है और बहुत नेसेसरी हो जाता है सी के वाई सी पर्पज़ के लिए। तो माता जी का नाम आप यहाँ पर जो भी है आपके माता जी का नाम, इसके लिए कोई आपको डॉक्यूमेंट के एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है, हाँ जो भी है आप उसे ज़रूर भरें। माता जी का नाम फिल करने के बाद अब देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ वह करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपके केवाईसी में डेट ऑफ बर्थ है उसे ज़रूर भर दें और प्रॉपर भरें। हाँ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखिए, अगर आप पहले कुछ और था और अगर जब इसके साथ जब आप अपना केवाईसी के साथ में जब अपना रिकेवाईसी करेंगे तो इस जो भी डेटा आप यहाँ पर फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोफाइल को अपडेट किया जाएगा सिस्टम में, मतलब डेटाबेस कर लीजिए, सिस्टम कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आपका यहाँ पे आधार नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर दें, अन्यथा आप अपना किसी दूसरे भी डॉक्यूमेंट से आप काम चला सकते हैं। मैं देने वाला हूँ, मतलब मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि आप भी दे दें, क्योंकि आने वाले समय में बाय हुक और बाय क्रूक आपको जो है सो आधार अपडेट करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आधार नंबर जो भी है आप अपना डाल दें, मैं यहाँ पर एक डमी फील्ड ले रहा हूँ, आप इसे आधार नंबर ना समझें। चलिए आधार नंबर डालने के बाद देख लेते हैं नेक्स्ट फील्ड हमारा क्या कहता है, ठीक है। कंसेंट डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड, कोई नहीं, आप ये आधार नंबर यहाँ डालें। पैन नंबर, अगर आप पैन नंबर नहीं देना चाहते हैं तो आप फॉर्म 60 से भी काम चला सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पैन नंबर अपना ज़रूर दिया करें, उससे आप ही का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बहुत लोगों के मन में भय होता है कि पैन नंबर देने से टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। बीइंग एन एम्प्लॉई जो है सो मैं आपको मेक श्योर करता हूँ पैसा कुछ नहीं होता है, ये आपके फ़ायदे के लिए ही होता है, इसलिए पैन नंबर ज़रूर दें। फॉर्म 60 पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने अपना पैन नंबर दिया है। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं इसके साथ, अगर आप पहले से दिए हुए हैं कुछ नया डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप दे दें। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले पैन नंबर नहीं दिया था, मैं पहले जनरल जो वोटर आईडी पे अकाउंट खुल जाता था उस पर खुला हुआ था, अभी जो उस समय अपना पैन नंबर आधार नंबर दोनों दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों का मैं विवरण में दे देता हूँ, ठीक है। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड में यहाँ पर आप दे दीजिए। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, किस कंट्री में रहते हैं, ऑब्वियसली या इंडिया होगा, और जो है सो ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल भी स्पेसिफिक। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दे दीजिए, इंडिविजुअल दे दीजिए, ऑक्यूपेशन आप यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे भी आप इंडिविजुअल दे सकते हैं, मेक श्योर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई फीमेल देख रही हैं, आप अगर इंडिविजुअल नहीं आता आपको समय में तो आप जो सो एग्रीकल्चरिस्ट भी दे सकते हैं। अगर कोई महिला मित्र देख रही हैं तो वो हाउसवाइफ दे सकती हैं। कोई स्टूडेंट भाई देख रहे हैं तो इसे आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे फ्रीडम है, आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आप अपना सर्विस दे दीजिए, इसके लिए आपको कोई रिकॉर्ड मांगने बैंक की तरफ से नहीं मांगा जाएगा। बस एक जब देखिए हम लोग इसे क्यों अपडेट करते हैं, अपडेट करने से क्या होता है कि जब कोई बैंक में कोई जब स्कीम आती है या कोई बढ़िया स्कीम रहता है तो हम लोगों को वो बताने में आसानी होती है कि इस प्रोडक्ट को हम इस स्पेसिफिक पर्सन को दे सकते हैं क्योंकि यह उसे लेने लायक है, ठीक है। अब देखिए पर्सनल लोन हम लोग सर्विस सेक्टर को ही देते हैं, अब हालांकि जो है सो अब एज पर प्रोफाइल अगर किसी का बहुत अच्छा है तो हम उसे भी देते हैं, तो यह सब कुछ आपके प्रोफाइल के ऊपर में डिपेंड करता है, इसलिए प्रोफाइल को अपना जो भी इन्फॉर्मेशन दे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे। चलिए एनुअल टर्नओवर भरना ज़रूरी है, चाहे आपके पास इनकम एक भी रुपया हो कि आप तो कहेंगे कि सर मैं तो एक भी रुपया नहीं कमाता तो मैं एनुअल इनकम क्यों दूँ, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो आपको इवन अगर फादर के तरफ से अगर आपको पॉकेट खर्च मिलता है वो क्यों ना 500 मिलता है, वो अभी एक तरह से आप कह सकते हो कि आपका इनकम है। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब हुआ कि बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं वह तो एक प्रकार से आपका खुद का पैसा, बैंक तो जान रहे कि आपका खुद का पैसा है, इसलिए एनुअल इनकम को कभी भी नील ना छोड़े, ठीक है।
इसलिए मेक श्योर कि एनुअल इनकम जरूर भरें और हो सके तो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दें, नहीं तो कुछ भी आप लमसम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड टर्नओवर, टर्नओवर हो गया कि एक साल में आप कितने रुपए जमा निकासी करने वाले हो, तो जो भी आपको समझ में आए आप भर दीजिए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इतना मैं मेक श्योर करता हूँ कि यहाँ से अगर आप भरेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, सर्विस है तो सर्विस दे सकते हैं, मैं यहाँ पे जो है सो अग्री देने वाला हूँ, ठीक है। फॉरेन रेमिटांस बिल्कुल नहीं, इसमें कोई फॉरेन रेमिटांस नहीं आएंगे। अगर फॉरेन रेमिटांस अगर आपको आने वाला होता तो आपको यहाँ पे जो है सो आपको यस करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि कोई भी फॉरेन रेमिटांस अगर यूनियन बैंक में आते हैं तो उसके पहले आपको जो है सो KYC करना होता है। यहाँ नो दे दिए हैं इसलिए यहाँ पे इस फील्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। नेचर ऑफ एक्टिविटी भी आपका जो है सो यहाँ पे बी हो जाएगा, सॉरी एन हो जाएगा, मतलब नन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है सो आप अपना किस डेट में आप KYC सबमिट करने जा रहे हैं बैंक में, उस डेट को आप मेक श्योर करें, वही डेट आप भरें, अपने तरफ से अलग से कोई भी डेट ना भरेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है सो मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे भर देते हैं। दोस्तों आपका यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकेगा, यहाँ पे मैंने फ़ोटो पहले से चिपका करके रखा है। एंड लास्ट में आता है सिग्नेचर एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है जो आपने बैंक में पहले किया था, तो चलिए उसको कर लेते हैं। चलिए यह था हमारा एज पर बैंक रिकॉर्ड्स में जो है सो ये जो सिग्नेचर किया हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से आप यूनियन बैंक के KYC फॉर्म को सही सही भर करके आप सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप KYC अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं मैं ऑनलाइन ही कर लूं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के KYC को आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो तक, तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।